वीडियो में बने रहिए देखने के लिए। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बेसन और कच्चे आलू के बहुत ही टेस्टी पकौड़े, जिसे आपने कभी इस तरह से नहीं बनाया होगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आप अपने घर पर इन्हें कैसे बनाकर तैयार कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो बने रहिए वीडियो में। तो यहाँ पर मैंने ले लिए तीन आलू। तो तीन आलू मैंने यहाँ से इसका छिलका निकाल लिया है। कच्चे आलू यहाँ से हमें इस्तेमाल करने हैं इस रेसिपी के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आलू को करेंगे कद्दूकस। यहाँ से देख सकते हैं आप, मैं कद्दूकस करूंगी। आपको इसे बहुत ही मोटी तरफ से कद्दूकस करना है। तो सभी आलू को मैं यहाँ से कद्दूकस करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ से कद्दूकस कर लिया है आलूओं को। तो यहाँ से आपको इसके बिल्कुल मोटे मोटे यहाँ से लच्छे बनाकर तैयार करने हैं। और देख सकते हैं आप अभी यहाँ पर इसमें जो पानी है इसको आपको बिल्कुल निकाल देना है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से व्हाइट व्हाइट पानी आपको बिल्कुल निकाल देना है धुलने के बाद। और यहाँ से मैं आलूओं को धुल कर ले आई हूँ। जो आलू के हमने यहाँ से लच्छे बनाए थे उन्हें हम यहाँ से धुल कर ले आए हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से हमें आलू के जो लच्छे हैं इनका पानी बिल्कुल निकाल लेना है। और यहाँ से इस तरह से पानी को निकालेंगे और इन्हें इस तरह से एक बर्तन में आपको अलग कर लेना है। तो यहाँ से सभी पानी आपको निकालते हुए मैं दिखा रही हूँ। और यहाँ से सभी लच्छे हम एक प्लेट के अंदर कर लेंगे यहाँ से। तो आपको इसी तरह से सभी पानी निकालना है यहाँ से। और आपको देखिए इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप आलू को कद्दूकस कर रहे हैं तो आप इन्हें पानी के अंदर भी कद्दूकस कर सकते हैं। आप चाहे तो अगर बिना पानी के कद्दूकस कर रहे हैं तो आप इन्हें तुरंत पानी के अंदर डाल दीजिए, वरना इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इसके लच्छे को निकाल लेती हूँ। तो हमने इसे पानी से बिल्कुल अलग कर लिया है। अब आप देख सकते हैं एक कटोरी मैंने यहाँ से बेसन लिया है, जो यहाँ से हम सारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। और यहाँ पर हमने लच्छों को भी निकाल लिया, यहाँ से एक लेंगे खाली बर्तन। तो खाली बर्तन में हमें यहाँ से जो ये लच्छे हैं इसे यहाँ से इसके अंदर डाल देना है। तो हमने लच्छे को इसके अंदर डाल देना है। पानी मैंने इसका बिल्कुल निकाल लिया है। तो यहाँ से अब हमें क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ। जो हमने बेसन लिया था इसको आपको अभी ऐड नहीं करना है इसके अंदर। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, इसमें आपको थोड़े से मसाले ऐड कर लेने हैं पहले। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड किया है और थोड़ा सा यहाँ पर डालेंगे काला नमक। तो काले नमक की जगह आप कोई भी नमक ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ से काला नमक डाल लिया है। अब यहाँ पर हम आधा चम्मच के करीब लाल मिर्ची पाउडर लेंगे, जिसे इसके अंदर ऐड करेंगे। और यहाँ से थोड़ा सा और पाउडर गिरते हैं इसके अंदर। और थोड़ा सा ले लेंगे यहाँ से हल्दी पाउडर कलर के लिए। आप यहाँ पर देखिए सभी चीजों को इसमें ऐड कर दीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। यहाँ से आपको लेना है देखिए 4 चम्मच के करीब हम यहाँ से बेसन को ऐड करेंगे। तो छोटा चम्मच हमने लिया है, इससे ही नाप करेंगे। तो हम यहाँ से 4 से 5 चम्मच लेंगे बेसन की। सभी बेसन आपको ऐड नहीं करना है इसके अंदर। तो यहाँ से मैं बेसन को ऐड कर दूंगी, अभी 1 चम्मच के करीब और डालेंगे इसमें। तो यहाँ से हम अब क्या करेंगे, हाथ से सभी को मिक्स करेंगे। ये जो आलू के लच्छे हैं इसके अंदर आपको मसाला और यहाँ से बेसन को ऐड कर देना है। तो इस तरह से आपको इसका बैटर बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ से मैं भी आपको दिखाती हूँ। पानी आपको इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, हमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। हमने दिखाया था आपको पानी आपको आलूओं को बिल्कुल निकाल लेना है। और उसके बाद में भी आपको देख सकते हैं यहाँ से मैं बिना पानी डाले इसे बनाकर दिखा रही हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका जो घोल है वो हमने तैयार कर लिया है। तो आपको इसका जो बैटर या घोल जो भी आप बोलते हैं वो तैयार करना है। तो देख सकते हैं आपको किस तरह से इसे तैयार करना है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने इसे बनाकर तैयार कर लिया है। अब आप चाहे तो यहाँ से इसे हाथ से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे चम्मच से भी इसे कढ़ाई के अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए दोनों तरह से मैं आपको इसे डालना बताऊंगी। तो यहाँ से इस तरह से आप इन्हें एक प्लेट के अंदर भी रख सकते हैं। मैं यहाँ से क्या करूंगी, तुरंत के तुरंत भी आपको यहाँ से डालकर दिखाऊंगी। तो हमारा यहाँ से देखिए ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुका है। तो ऑयल के अंदर आपको इस बैटर का यहाँ पर छोटे छोटे पकौड़े बनाकर तैयार करने हैं। तो यहाँ से आपको इस तरह से हाथ से ही इसे डाल देना है, चाहे तो आप चम्मच से भी डाल सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। मैं यहाँ से इसे हाथ से ही डालकर दिखा रही हूँ। तो इसे हम हाथ से ही बनाकर तैयार करेंगे। अब मैं आपको इसे दिखाती हूँ 1 मिनट के बाद। तो देखिए 1 मिनट के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से जो जगह बची है उसमें भी हम यहाँ से पकौड़े डाल लेंगे। और अब आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ से देखिए एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं बहुत ही अच्छे से। इन्हें पलटेंगे और पलटने के बाद दूसरी तरफ से भी इन्हें फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं 1.5 मिनट के बाद ये एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे। उसके बाद में आपको इन्हें पलटने के बाद दूसरी तरफ से फ्राई कर लेना है। और यहाँ से देखिए हमारे जो पकौड़े हैं वो अच्छी तरह से यहाँ से फ्राई हो चुके हैं। तो आपको देखिए इस तरह से इन्हें फ्राई कर लेना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इन्हें निकाल कर।
तो हम जो बाकी का बैटर बचेगा उसका भी इसी तरह से पकौड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। इन्हें यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, निकाल लेना है आपको। तो इस तरह से आप इन्हें बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसे एक बर्तन के अंदर निकाल लूंगी। सभी बैटर आपको इसी तरह से बनाकर तैयार करना है। मैं सभी को बनाकर और आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ से हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ से आपको सभी को इस तरह से निकाल लेना है। सभी का ऑयल आपको कढ़ाई के अंदर ही निकालना है, उसमें ऑयल जमा ना हो, इसलिए आपको इस तरह से इसे हला डुला देना है यहाँ से। तो इस तरह से मेरे ये पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। बाकी के भी हम भी इसी तरह से बनाकर तैयार करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से हमने सभी पकौड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं और आप देख सकते हैं बिल्कुल कुरकुरे क्रिस्पी पकौड़े हमारे आलू के बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आज हमने इन्हें उबले हुए आलू से नहीं बनाकर तैयार किया है, हमने यहाँ पर आलू के लच्छे से इन पकौड़ों को बनाकर तैयार किया है। तो देखिए खाने में भी आप देख सकते हैं बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं और आप देख सकते हैं देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और कलर भी बहुत ही अच्छा आया है इसके अंदर। तो यहाँ से आपको मैं दिखाती हूँ, अंदर से भी बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। आपको इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर बनाकर तैयार करना है ताकि जो हमारा आलू है वो यहाँ से कच्चा ना रहे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से बनकर तैयार हो चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना। अगर पसंद नहीं आई तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताना अपना आपको आज की रेसिपी पसंद आई है या नहीं।